छत्तीसगढ़ के जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने सोमवार को जल संसाधन विभाग में नवनियुक्त सहायक अभियंताओं को बेहतर काम करने के लिए प्रेरित किया और उनको शुभकामनाएं भी दी गई। जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे नवनियुक्त सहायक अभियंताओं के आधारभूत प्रशिक्षण के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने नवनियुक्त अभियंताओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि आने वाले समय में जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है और आप सभी कुछ ऐसा काम करें कि आने वाली पीढ़ियां आपको याद करें। रायगढ़ में अधिवक्ताओं द्वारा तहसील कार्यालय में एसडीएम तहसीलदार और अन्य स्टाफ से मारपीट के विरोध में जगदलपुर तहसील कार्यालय आज से अनिश्चित काल के लिए बंद हो गया है। यहां के अधिकारी कर्मचारी पटवारी और अन्य स्टाफ ने काम बंद कर दिया है। इनका कहना है कि रायगढ़ में अधिवक्ताओं ने पिटाई की घटना को अंजाम दिया है और वो ठीक नहीं है। घटना के विरोध में जगदलपुर तहसील के सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। जब तक मारपीट करने वाले वकीलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं हो जाती है तब तक वो इसी तरीके से हड़ताल पर रहेंगे, ये कहा गया है। रायगढ़ में विगत दिनों 2-3 दिवस पहले घटना हुई थी जिसमें अधिवक्ताओं द्वारा वहाँ के एसडीएम और तहसील ऑफिस के रीडर्स के साथ में और नायब तहसीलदार के साथ में मारपीट किया गया था, जिसके विरोध में अभी तक जो है जितने अधिवक्ताओं द्वारा मारपीट की गई उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। उसी के विरोध में पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में जितने भी तहसील कार्यालय हैं सभी को बंद करने का निर्णय हमारे संघ की ओर से, और पूरे संघ इसमें जो है हमारा समर्थन में है। हमारे आरआई संघ, पटवारी संघ, लिपिक संघ, चतुर्थ वर्ग संघ सभी के द्वारा समर्थन दिया। रायगढ़ में नायब तहसीलदार से हुए मारपीट के मामले को लेकर प्रदेश भर के तहसीलदारों और उनके अधीनस्थ कर्मचारियों का आक्रोश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसे लेकर प्रदेश भर के तहसीलदार और उनके अधीनस्थ कर्मचारी काम बंद कर हड़ताल पर चले गए हैं। बिलासपुर जिले में भी हड़ताल का असर देखा जा रहा है। तहसील न्यायालयों के सभी अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। तहसील कार्यालयों में ताला लगा हुआ है। मुख्यालय में नेहरू चौक में तहसील कर्मचारी हड़ताल कर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। लिपिक संघ ने भी तहसील कर्मचारियों की हड़ताल को अपना समर्थन दे दिया है। अधिकारी कर्मचारियों की मांग ये है कि रायगढ़ में नायब तहसीलदार से मारपीट करने वाले दोषी वकीलों की तुरंत गिरफ्तारी की जाए। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों में छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ द्वारा रायगढ़ तहसील और अनुभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय में लिपिक और वित्त लोगों के साथ कुछ अधिवक्ताओं के द्वारा मारपीट किया गया है, जिसके संदर्भ में आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। इसी अनुक्रम में आज बिलासपुर जिला कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ इकाई द्वारा यहाँ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। ये जब तक जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती और उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है तब तक ये आंदोलन अनवरत रूप से जारी रहेगा। और अब खबर कवर्धा के अधचरा गांव की है, जहां पर पौलमी घाटी के पास यात्रियों से भरी बस पलट गई। हादसे में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 20 से ज्यादा यात्री घायल भी हो गए हैं, जिनमें से 7 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना के बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इसके साथ ही सभी घायलों का इलाज भी करवाया जा रहा है। वहीं जांजगीर चांपा की नवागढ़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 अवैध शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। दूसरे राज्य में तस्करी कर लाई गई 24 पेटी अंग्रेजी शराब भी इस दौरान बरामद कर ली गई है। औद्योगिक क्षेत्र फेज 2 स्थित एपीआई इस्पात ने सोंडरा पंचायत की निस्तारित जमीन पर कब्जा कर बागवानी लगा दी है। पूर्व सरपंच प्रतिनिधि ने संतोष साहू ने यह बताया है कि एपीआई इस्पात ने सामने अपने बाउंड्री लगाकर पंचायत की जमीन को अपने अंडर बाउंड्री कर लिया है और वहीं उद्योगों के द्वारा वाहन को सड़क किनारे खड़ा कर दिया जाता है, जिससे ग्रामीणों को आने जाने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है, जिसको लेकर कुछ दिन पहले इस सड़क की मरम्मत के लिए धरना भी दिया गया था। एपीआई कंपनी जो की स्पंजाइल कंपनी है और सोंडा में स्थित है, ग्राम पंचायत जो है यहाँ पे आवेदन लेके आई है कि उनके द्वारा शासकीय भूमि का अतिक्रमण किया गया है और इनके आवेदन को हम जांच करेंगे। जांच करने के बाद एक सीमांकन टीम का गठन करेंगे और सीमांकन होने के पश्चात ही जैसे यदि अतिक्रमण निकलेगा तो उनको नियम से कार्रवाई।